क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मामूली कहासुनी पर उसने घोप दिया दोस्ती की पीठ पर खंजर, उसने शिक्षा के मंदिर को बना दिया जंग का मैदान, उसने ताबड़तोड़ उस पर एक के बाद एक कई वार किए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा इलाके से पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को अपने साथी की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित लड़के ने बताया कि मामले का आरोपी लड़का उससे मिलने स्कूल आया था और इस दौरान आरोपी ने उसे कई बार चाकू मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। अपना बचाव करते समय पीड़ित लड़के को कई चोटें भी आई। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। मैं स्कूल में गया जना, वो मेरा चक्कू मारो क्लास के अंदर और पास वो चपड़ासी मैंने हॉस्पिटल में ले गो। वो सुबह वो गाड़ गोड़ काट दी जना मारे हथा पाई होगी पास वो दारू पी के आए और स्कूल में वो मेरा चक्कू रोक दिया। चिड़ावा में मामूली कहासुनी के बाद एक नाबालिग आरोपी ने अपने ही मोहल्ले के छात्र पर ताबड़तोड़ चाकू से तीन वार कर डाले, जिसमें से एक वार उस छात्र की कमर में लगा जिसके कारण छात्र घायल हो गया। घटना के समय राजकीय अडुकिया विद्यालय में कक्षा 10 के छात्रों की विदाई पार्टी चल रही थी, जिस कारण वहाँ कई लोग मौजूद थे। लोगों ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया। मामले की जानकारी मिलते ही स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। कक्षा 9 के छात्र पंकज मेघवाल और उसी के मोहल्ले के सज्जन के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी। इसी से खफा होकर आरोपी सज्जन ने पहले शराब पी और उसके बाद आरोपी शराब के नशे में स्कूल में चल रही विदाई पार्टी के दौरान स्कूल में पहुँच गया और चाकू से छात्र पंकज पर तीन वार कर डाले, जिसमें से एक वार छात्र की कमर में लगा। स्कूल में जा रहे और स्कूल के भाई ने ये वो ने गाल काटी, वो गाल काटी और यू उनके दो थप्पड़ मार दिया साहब। और वो पाते वो बोले बोले ये तो करे बोले मैं शाम की देखूंगा तेने। वो शराब पी के स्कूल के भीतर गयो बाउंड्री पार करके और भीतर क्लास में जाके चक्कू मार दियो साहब। घायल छात्र को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका उपचार किया गया। इस घटना की पूरे कस्बे में चर्चा बनी हुई है कि इतनी छोटी उम्र में किशोरों पर नशे की लत और अपराध करना कस्बे के भविष्य के लिए कहीं खतरा न बन जाए। क्राइम रिपोर्ट के लिए चिड़ावा से अनुज भगेरिया, जन टीवी। एक कार सुनसान इलाके में खड़ी थी लावारिस, उस कार में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जब उस कार के पास जाकर देखा तो होश उड़ गए। उस कार में थी एक लाश। जयपुर से आई इस रिपोर्ट में देखिए क्या है इस लाश के पीछे का राज। जयपुर के सांगनेर इलाके में एक अल्टो कार में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक की शिनाख्त विनोद कुमार के रूप में हुई है, जो चाकसू थाने का हिस्ट्री शीटर था। जानकारी के मुताबिक इलाके के बम्बाला गाँव के समीप शमशान घाट के पास एक ब्लैक कलर की अल्टो कार में किसी राहगीर को युवक की लाश दिखाई दी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।
स्थानीय निवासी ने थाने पे सूचना दी थी कि एक ये बम्बाला गांव का जो शमशान घाट है इसके सामने एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है जिसमें एक व्यक्ति मृत पड़ा है। यहाँ पे तुरंत इंचार्ज साहब सांगानेर और ड्यूटी ऑफिसर ने आके देखा तो उसका गला कपड़े से बंधा हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ। उच्चाधिकारी और सभी मौके पे आए हैं। उसके बाद इस मृतक की पहचान विनोद नाम का नकबजन है जो कि मूलतः चाकसू थाना इलाके में रहता है और वहाँ का हिस्ट्री सीटर भी है उसके रूप में हुई है। अब यहाँ पे FSL टीम और चांस प्रिंट टीम सभी टीमें यहाँ आई हुई हैं। लावारिस हालत में मिली इस कार में शराब की बोतल भी बरामद हुई है। वहीं मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला मर्डर का लग रहा है। इस मर्डर के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं। जानकारी के मुताबिक अयूब और नंदू नाम के ये दोनों शख्स मृतक विनोद के खास दोस्त थे और तीनों ही मिलकर चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कुछ दिनों बाद तीनों को जेल हो गई, जिसके बाद विनोद जमानत पर रिहा हो गया। इसी दरमियान उसने अयूब की पत्नी से छेड़छाड़ की, जिसकी भनक दोनों को लग गई। उसके बाद दोनों जब जेल से बाहर आए तो दोनों ने अपने दोस्त को ठिकाने लगाने की साजिश बना डाली। बाद में दोनों ने मौका देखकर पहले तो विनोद को खूब शराब पिलाई और उसके बाद उसका गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो दिन भर शव को गाड़ी में रखकर घूमते रहे और उसके बाद शाम को गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना को गंभीरता से देखा तो मृतक के हाथ पे जो है टैटू विनोद नाम का गुदा हुआ था और उसके बाद में जब पता चला तो ये चाकसू का HS निकला और इसने गाड़ी भी किसी भट्टा बस्ती के किसी मुस्लिम भाई से खरीदी थी और आगे इसने अपने गाड़ी के कागज ट्रांसफर करा लिए थे। इस गाड़ी से ये चोरी की वारदातें करता था। इसमें करीब 35 नकबजनी की वारदातें हैं और ये सातिर बदमाश था और इस गैंग का सरगना था। जो दोनों मुलजिम जो पकड़े गए हैं नंदू और सुभाष सनोप लाल सिंह जाति राजपूत उम्र 23 साल निवासी ये प्रताप कॉलोनी वार्ड नंबर 20 चाकसू और दूसरा इसी का साथी है याकूब और पिंटू पुत्र रसीद खान जाति मुसलमान उम्र 22 साल। पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ इससे पहले भी दर्जन भर मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। क्राइम रिपोर्ट के लिए जयपुर से दशरथ सिंह, चन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पूरे देश की निगाहें लगी रहती है, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा की दरकार है। वही जगह आज लोगों के लिए खौफ पैदा कर रही है। आम जनता अब दिल्ली जाने से कतराती है। दिल्ली बन चुका है अब क्राइम सिटी। देखिए ये रिपोर्ट।
दिल्ली के मंगोलपुरी के एक एमसीडी स्कूल में 7 साल की बच्ची से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ 16 दिसंबर को चलती बस में बर्बरतापूर्ण बलात्कार और बाद में उसकी मौत की घटना से लोग अभी उबरे भी नहीं हैं कि राजधानी के एक सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की एक मासूम के साथ हैवानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। 16 दिसंबर को दिल्ली में दिल दहला देने वाली गैंगरेप की वारदात के बाद भी पुलिस और प्रशासन इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। एमसीडी के एक स्कूल में पढ़ रही बच्ची के साथ स्कूल के अंदर बलात्कार किया गया था, लेकिन इस घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया। इस बात से नाराज लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और बसों में तोड़फोड़ कर सड़कें जाम कर दी। वारदात के बाद से ही मंगोलपुरी में काफी तनाव पसरा है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। एमसीडी स्कूल में 7 साल की मासूम के साथ बलात्कार की खबर आने के बाद जमकर बवाल हुआ था। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही बरती। फिलहाल एमसीडी ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस 4 सदस्य कमेटी की अगुवाई एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर पवन शर्मा कर रहे हैं। कमेटी जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी। सात साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद गुस्साए लोगों ने मंगोलपुरी इलाके में एक के बाद एक कई सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। जब पुलिस वाले लोगों को रोकने पहुंचे तो पत्थरबाजी करके उन्हें खदेड़ दिया गया। लोग इस बात से भी नाराज थे कि दिल्ली पुलिस ने बच्ची के साथ रेप का केस दर्ज करने में देरी लगा दी। फिलहाल पुलिस ने हंगामा करने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के परिवार की माने तो गुरुवार दोपहर मंगोलपुरी के नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची मिड डे मील लेने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल से लौटने के बाद बच्ची बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। घर वाले उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आशंका जताई कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। परिवार वालों का आरोप है कि वो इसके बाद पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने केस दर्ज नहीं किया। 16 दिसंबर को हुई बलात्कार की क्रूरतम घटना के बाद खाकी और खादी सभी ने एक से बढ़कर एक दावे किए, लेकिन ये सभी दावे खोखले साबित हुए। दिल्ली में बढ़ते बलात्कार और हत्या के मामलों ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी। पैरामेडिकल की छात्रा से दिसंबर में हुए बलात्कार के बाद दिल्ली आक्रोश में थी। पूरी दिल्ली इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आई थी। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, जिस पर अब भी संसद की मुहर लगना बाकी है। तब प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं और पुलिस वालों ने कई वादे किए थे, लेकिन वो सब उन्होंने भुला दिए। हम आपको याद दिलाते हैं कि दिल्ली गैंग रेप के बाद किसने क्या कहा था। मैं पूरे देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये दिल्ली पुलिस के इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट है। ऐसे मामलों में केस दर्ज कराने के लिए किसी को इंतजार नहीं कराना चाहिए। ये तय हुआ है कि रेप के मामले में पुलिस स्टेशन पर आने वाली महिला की शिकायत दर्ज करनी ही होगी। वो जिस भाषा में, जिन शब्दों में केस दर्ज करवाना चाहेगी, पुलिस को केस दर्ज करना पड़ेगा।
बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे पास ही के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवाया गया जिसमें उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई। घरवालों का आरोप है कि केस दर्ज करने में देरी के साथ ही पुलिस स्कूल से जुड़े लोगों को बचाने में लगी है। परिवार वालों का कहना है कि रेप के लिए स्कूल से जुड़े लोग ही जिम्मेदार हैं। वहीं दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर तेजेंद्र लूथरा ने कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। लूथरा के मुताबिक पीड़ित परिवार शुक्रवार को शिकायत करने आया था और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। वैसे पुलिस इस मामले में स्कूल के दो टीचरों और एक गार्ड से पूछताछ कर चुकी है। बच्ची को मिड डे मील देने वाले शख्स से भी पूछताछ हुई, लेकिन पूछताछ के इस दौर के बावजूद पुलिस को कोई खास जानकारी हासिल नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने स्कूल के टीचर और गार्ड को बच्ची के सामने लाकर शिनाख्त की भी, लेकिन बच्ची इतनी घबराई हुई थी कि वो किसी को पहचान नहीं पाई। लोग रेप के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इनको रोकथाम के लिए जब तक कड़ी सजाएं नहीं मिलेंगी, मैं नहीं सोचती कि ऐसे लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। क्योंकि 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जो हुआ है, मेरा मानना यह है कि जरूर ही टीचर्स पे इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे तो नाबालिग बच्ची का केस है तो उसमें जाना चाहिए एनसीपीसीआर में, लेकिन फिर भी इसकी इंक्वायरी के लिए मैं जरूर भेज दूंगी, 2-3 दिन में इंक्वायरी के लिए भेजूंगी। पीड़ित बच्ची दुष्कर्मी के बारे में कुछ बता नहीं पा रही है और ना ही वह उसकी पहचान कर पाई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 शिक्षकों और एक गार्ड से इस बारे में पूछताछ की गई है। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और शिक्षा मंत्री किरण वालिया ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए स्कूल प्रशासन को तलब किया है और स्कूलों में सुरक्षा बनाए जाने के आदेश दिए हैं। एमसीडी जो वो है वहाँ की मेयर है, उनसे किरण वालिया जी बात कर रही हैं और चीफ सेक्रेटरी ने एमसीडी कमिश्नर को भी कह दिया है, डीसीपी पुलिस को भी कह दिया, अब काम वो कर रहे हैं जैसे कर। महाराष्ट्र के भंडारा जिले और दिल्ली के मंगोलपुरी के बलात्कार मामले में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने कहा कि सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और सरकार इन मामलों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठा रही है। पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि लड़की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी मिली है। प्रधानमंत्री से लेकर हर छोटे बड़े नेता ने वादे किए, लेकिन हर रोज इन वादों को टूटता हुआ आप दिल्ली की सड़कों पर देख सकते हैं। लगातार बढ़ती इस तरह की वारदातों के बाद कई दावे किए गए थे सुरक्षा के, लेकिन दिल्ली पुलिस के सभी दावे खोखले साबित हुए। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। राजधानी दिल्ली अब अपराध की राजधानी बन चुकी है। लोग अब यहां पर सुरक्षित महसूस नहीं करते। दिल्ली से सामने आई एक ऐसी वारदात जिसने कर दिया रिश्तों को शर्मिंदा। कुछ पैसों की खातिर एक व्यक्ति बन गया हैवान और उसने उतार दिया अपनी ही बहन के बच्चों को मौत के घाट। पेश है ये रिपोर्ट। अपहरण और फिर कत्ल। 30 लाख के लिए 2 कत्ल।
पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके से 3-4 दिन से लापता भाई बहन का शव प्रगति मैदान के पास जंगल से बरामद हुआ। सुबह करीब 9:30 बजे उनकी लाशें मिली। दोनों की उम्र 7 और 5 साल थी। दोनों बच्चों की हत्या कर शव को यहां पर फेंका गया था। दोनों शव सड़ चुके थे। मृतक बच्चों के पिता मनोज कुमार का कहना है कि 26 फरवरी को जब उसकी पत्नी योगिता उसके दोनों बच्चों को स्कूल लेने पहुंची, तो स्कूल प्रशासन ने उसे बताया कि कोई शख्स पहले ही मनसेज और यशवी को स्कूल से ले जा चुका है। दोनों बच्चे शख्स को चाचा कहकर पुकार रहे थे। माँ के इतनी देर तक बच्चों को लेने के लिए ना आने और बच्चों के इस युवक से परिचित होने के चलते स्कूल प्रशासन ने भी उसे उन्हें ले जाने दिया। ये भी पता चला है कि जब योगिता अपने बच्चों को स्कूल लेने जाने वाली थी, उससे पहले ही किसी ने उसके घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था। दोबारा उन्होंने मंगलवार को 26 तारीख को अपने इस जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको अंजाम दिया। अंजाम देने के दौरान शिवम ने घर में ताला लगा दिया। पंकज वहां बाहर घर के बाहर की गली में उसने चौकीदारी करी। स्कूल के बाहर अभिषेक ने चौकीदारी करी ताकि जब अमित, जिसको बच्चे जानते थे और मामा के नाम से संबोधित करते थे, बच्चों को वहां से उठाने जाए और उस दौरान अगर उनकी माता आ जाए तो उसको अलर्ट कर सके। इनका प्लान दुर्भाग्यवश सक्सेसफुल हो गया और माँ चूंकि घर में ताला लग गया था घर के बाहर, वो समय पे स्कूल पे नहीं पहुंच पाई। जब तक वो पहुंचती तब तक अमित उन दोनों बच्चों को पैदल लेके वहां से निकल गया। पुलिस इस पहलू को भी काफी गंभीरता से ले रही है। वहीं इस घटना के बाद मंडावली इलाके में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। यहां भी एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाह कार्य प्रणाली सामने आई है। बच्चों के परिजनों ने पुलिस पर ढील बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें कई कॉल कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। उन्होंने संदिग्धों की सूचना भी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अमित सिंह ने आईटीआई से डिप्लोमा किया हुआ है और अभी उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। अमित सिंह ने सोचा कि वो रियल एस्टेट बिजनेस में कुछ अपना हाथ आजमा ले और इसलिए उसने एक डील की तलाश करी। अल्लाह कॉलोनी में उसको एक फ्लैट ऐसा नजर आया जो करीब 13 लाख रुपए में उसने उसका सौदा किया, पर जो फ्लैट के जो ओनर्स थे उनको 6 लाख रुपए एडवांस में चाहिए थे, इसलिए अमित सिंह को पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। उसने कुछ रुपयों के लालच में उजाड़ दी एक माँ की दुनिया। अपने बच्चों की मौत के बाद उस माँ के जीवन में सन्नाटा छा गया। लेकिन जिन नकाबपोश चेहरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने हटा दिया अब उस पर से पर्दा। परिजनों का कहना है कि उन्हें 27 और 28 फरवरी को लगातार फोन कर फिरौती मांगी गई थी। यहां तक कि उनके घर के आगे एक लेटर भी डाला गया था और 30 लाख रुपए मांगे गए थे। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन उनके बच्चों को तलाशने की कोशिश नहीं की गई। 1 मार्च को उन्हें कोई फोन नहीं आया और 2 मार्च की सुबह उनके बच्चों की लाशें बरामद हुई। मृतक बच्चों के परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया था। मृतक बच्चों के दादा विजयपाल का कहना है कि दोनों बच्चे पिछली 26 फरवरी से 1 बजे अपने स्कूल से गायब हुए थे। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम कोई एक बड़ा काम कर लेते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, जिसमें एक साथ हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा
और हम अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसी प्रकरण में अमित सिंह ने खुद ही सजेस्ट किया कि उसके जो उसके रिश्ते में जो बहन है, जिसके बारे में एक परसेप्शन है कि उसके पास पैसा है और जिसके बारे में उसने सूचना इकट्ठी करी कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डील में करीब 30 लाख रुपए अभी उनको मिले हैं, उसके बच्चों को टारगेट के रूप में सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसने और उसने अपने साथियों को, माँ बाप को दिखाया, बच्चों को दिखाया, घर को दिखाया, स्कूल को दिखाया, कई बार इन्होंने उसकी एक रेकी करी। अब पुलिस ने भाई बहन की इस हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि अपहरण के दिन ही उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि बच्चों के मामा ने शिवम और पंकज के साथ मिलकर फिरौती के लिए ये प्लान बनाया था। पुलिस अधिकारी ने बच्चों की बर्बर हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जांच में सामने आया है कि बच्चों के पिता ने कुछ समय पहले ही एक प्रॉपर्टी बेची थी और उसके पास एक बड़ी रकम आई थी। इसकी जानकारी आरोपी को भी थी, लिहाजा एक सुनियोजित साजिश के तहत उसने बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में हमने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला आदमी जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम अमित सिंह है और वो रिश्ते में बच्चों का मामा है और उसके साथ 2 और साथी हैं, शिवम गुप्ता और पंकज कश्यप। महज 30 लाख रुपए के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक रात में अमीर बनने का सपना संजोए अपराधियों ने छीन ली 2 मासूमों की जिंदगी। इनके इस गुनाह के लिए शायद कोई सजा नहीं है। इन्होंने एक परिवार से उसकी खुशियां तो छीन ही ली, साथ ही कर दिया भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा।